कांस्टेबल रुकैया, रिपोर्ट किसने दर्ज करवाई? तुम्हारी लड़की भागी थी ना? तौबा करें, हमारी बच्चियां ऐसी बेहदायत नहीं है। वो रहा नुज़त कैंची का घर। आपको बार बार बता रहे हैं, मेरी बच्ची बड़ी मासूम थी, उसको कुछ नहीं पता। गलत बयानी से काम ना लें, इसमें आपका ही नुकसान होगा। हमें वो कमरा दिखाएं जहां वो आखिरी दफा देखी गई थी। ये अलग से सीढ़ियां कहां जा रही हैं? ऊपर हमने किराए का कमरा पाया हुआ है। बस अड्डे पे देके भागा क्यों? हैं? बोल। हमको तो लगा था कि उसका आमर ऊपर दिल आ गया। तेरी शक्ल देख के किसी को उल्टी तो आ सकती है, दिल नहीं आ सकता किसी लड़की। उसका दिल टूटा हुआ था मैडम, टूटा हुआ दिल आ जाता है। मोहब्बत करते हो मुझसे? पागल है तुम्हारे लिए। कम से कम मेरे उस मंगेतर की तरह तो नहीं। उसकी मंगनी हो गई थी, मंगनी टूट गई थी, तो हमसे क्यों छुपाया? फौरन लेके चलो उनके घर। तू यहाँ पे लड़कियां अगवा करे, ढूंढते फिरे उन्हें। हमारा जबरदस्ती का रिश्ता नहीं था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसको थाने लेके चलो, वहीं बताएगा ये। हाय गजब खुदा का, सक्का मामा होते हुए तुझे जरा हया ना आई? बापरी पैर पे तरस ना आया? मेरे पुत्र को पुलिस के आगे फड़वा दिया तूने? तुझे बड़ी शर्म आई? सगी फूफी होके मेरी बेटी को अगवा करा दिया, तुझे शर्म नहीं आई? अच्छा, ना मुझे क्या जरूरत थी तेरी बेटंगी तो बेसुरी कुड़ी को अगवा करवाने की? अल्लाह सोने ने मुझे देख हीरे जैसी इतनी सोनी नो दे दी है, है? मैं क्यों उस तरह के काम करूंगी? लेकिन तूने तूने सका भरा होने के बावजूद मेरे से बड़ी ज्यादती की है, मैं तुझे बताऊं? ओ भैन, मैं नहीं किया पुलिस नु काशव दा, ओ आप ही फड़ के ले गए ने। पुलिस को तुम लोगों ने ये नहीं कहा कि वो काशव जो है वो जवारी है? ओ मैंने जवारी नहीं कहा, मैंने कहा था शराबी है, असल बात बताई थी। चलो दूसरी बात तूने बता दी, खैर से जुआरी भी है। वाह 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 वाह, ये नहीं था पता हमें। मैं वेनी भैन जुड़े हाथ रे तेरे अगे, तेरे को कोई नहीं जीत सकता है मेरे पुत्र बेचारे को। मैं दस रही हूँ तेरी बहन ने मेरी बच्ची को अगवा करवाया है, इसी से निकालूंगी मैं अपनी बच्ची। झूठ बोलता है। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो जबरदस्ती का रिश्ता नहीं था, पसंद से मंगनी हुई थी हमारी। तू बोलेगा पर मैं यकीन कर लूंगा। मेरे पास सबूत है। चलो अल्लाह ने शुक्र है वेला लिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दा, जिदा शुक्र अदा करे। जुलर को गई मैं, आप मैं ना नोट देता हूं ना, बड़ा बड़ा मोटा मोटा कड़ा बना मैं अपनी कुड़ी को पावा ताकि ती खुश होवे मेरी। मैं पुत्र रे मान है, शाबाश। अल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मां सदके जाए कितनी सोनी लगन गई लगी। ਦਿਓ ਨਾ ਮੁੰਦਰੀ, ਦਿਓ ਮੁੰਦਰੀ ਭੂਆ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਾਰ ਤੇ ਪਾ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ, ਚਲੋ ਨਾ ਮੁੰਦਰੀ ਫੜ ਕੇ ਪਵਾਓ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਹਾਏ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। मुबारक मुबारक मेरे तो बहुत ही करो। वाह लग रहा चार पैसे तुसी भी करते ने खर्च। Thank you.
मुबारक भैन मुबारक हूं तू भी लो जी मंगनी तो हो गई है ते हूं आसिफ लता की कहानियों में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ ये बता कि तूने उसे छुपाया कहाँ है, समझा? उठाओ उसे। आप कह रहे हैं ना कि जबरदस्ती की शादी थी, उसने रिश्ता तोड़ दिया, मंगनी तोड़ दी, वो मुझसे नफरत करती थी, मैंने उसको अगवा कर लिया, तो सारे सबूत तो आपको दिखा रहा हूँ। शादी की शादी थी मतलब अब मैं केस को इस नौयत से देखूंगा कि तेरा और उसका पसंद का रिश्ता तय हुआ, फिर तेरी नशे की आदत की वजह से वो पीछे हट गई, हाँ, उसके बाद तू मोहब्बत में चोट खाया हुआ इंतकाम के लिए निकल गया है कुत्ते, इंतकाम के लिए निकल गया तू। मंगनी उसने नहीं, मैंने तोड़ी थी, मैंने अंगूठी उठा के उसके मुंह में मारी थी, इसमें उसका या मेरे घर वालों का कोई लेना देना नहीं, रिश्ता उसने नहीं खत्म किया, मैंने किया, मैंने। मैडम जी इस तरह नहीं आप हमारे घर की तलाशी ले सकती, कर क्या रही हैं आप, मेरा घर है, मुझसे पूछ के किसी चीज को हाथ लगाए, क्या हो रहा है आप ये, हाँ तो मैं ओ कर क्या रही हैं आप, मुझे भी तो कुछ बताएं, ओ बात सुने मेरी। हाय ओ बीबी, सर्च वारंट है तुम्हारे घर का, तलाशी लेने आई हूँ ना। मतलब क्या आपका, मतलब क्या आपका मुझे बताएं, मतलब हमने अपनी बच्ची को गायब करके छुपा के तो हम खुद ही बैठ के रो रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको इन बातों की? तुम्हारी लड़की ने तो कुछ छुपाया होगा ना, और जिसके साथ भागी है उसका कोई खत, कोई तस्वीर, कोई तोहफा नहीं? और कितनी दफा आपको बताऊं मैं, नहीं भागी मेरी लड़की, नहीं भागी, अगवा हुई है। ओए नुसरत कैंची नाम है ना तुम्हारा, जबान कैंची की तरह चलती है, तो थोड़ा दिमाग पे भी जोर डालो, जिसको अगवा करना होता है ना वो घर के बाहर से कर सकता है जब लड़की तुम्हारी बाहर घूमती हो, ना कि सुबह सवेरे तुम्हारे घर में आके लड़की उठा के जाएगा।
उसको पूछो ना, जिसको सलाखों के पीछे बंद किया हो, दो चार पसलियाँ उसकी भी तोड़ो ताकि वो पके। क्या है ये? वो मैं पूछ रही हूँ क्या है, मेरे घर से मिला मुझे तो बताओ। निका नाम है तेरी बेटी का, ले पढ़ ले करतूत उसकी। नहीं कर सकती लैला, मेरी तो इस तरह नहीं कर सकती। मैडम जी मेरे को तो दिखा, मैं ना मेरी ना मेरी लैला इस तरह सर जी सर जी सर वहीं हूँ। एक ऐसा सबूत हाथ लगा है सर कि इस केस का रुख ही बदल जाएगा। सर सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मंगनी मैंने तोड़ी थी और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मेरे मामू और खाला के सामने जाके मैंने ये मंगनी तोड़ी थी। और आप खुद बताएं, रिश्ता तोड़ने के बाद अगर कोई इंतकाम में आके अगवा करेगा तो वो लैला मुझे करती, ना कि मैं उसको। तो ये पहले क्यों नहीं भौंका? सर जब मंगनी टूटी तो मेरे मामू, मेरा मतलब है कि लैला के अब्बा ने मेरी माँ के पाँव में गिर के कसम ली थी कि इस बात का तस्करा और कहीं ना हो, वरना उनकी बेटी की शादी कहीं और नहीं हो पाएगी। बस इसी वजह से मेरी माँ ने मना किया था ये बात दोबारा कहीं ना करूँ। और तूने अपनी माँ की दीवी कसम तोड़ दी? तो और क्या करूँ, यही पड़ा पड़ा थाने में सड़ता रहूँ पूरे उस जुर्म के चक्कर में जो मैंने किया ही नहीं है। उस बेवफा पे कितने पर्दे डालूं, वो मेरे नाम की अंगूठी पहन के किसी और से इसकी पिंगे बढ़ा रही थी। ये नया आशिक कौन है भाई? सर इसीलिए तो मैंने मंगनी तोड़ी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आशिक कौन है वो? वो सर वो अजीम है, उल्लू के पट्टे। वो तेरी नाक के नीचे से तेरी मंगेतर निकाल के ले गया, तू कह रहा है वो अजीम है? वो सर उसका नाम अजीम है, लैला की सहेली का बाप। पैसे जाया हो गए आपके जी? मैंने कहा पैसे जाया हो गए आपके। मैंने कहा था ना पैसे जाया हो गए आपके। बगैर बताए वहाँ क्या करने आए थे? तुम जासूसी कर रहे थे मेरी, शक करते हो मुझ पे? तुम्हारा मंगेतर होने के नाते इतना पूछने का हक है मुझे कि कल तुम कहाँ गई थी और किसके साथ? जब जासूसी कर ही रहे थे तो अच्छी तरह देख लेना था ना, सबा के साथ गई थी। हाँ मगर किसकी गाड़ी में? तुम्हें इससे क्या है? हाँ नहीं बताऊंगी, शहर लगते मुझे शक की मिजाज मत, तुम जैसे। देखो ना तो तुम पे मैं शक करता हूँ और ना ही तुम्हारी जासूसी करने आया था मैं। बोल तुम तो मिलने आती नहीं हो, पहली तनख्वाह मिली थी मुझे, तोहफा लाया था तुम्हारे लिए, तुम पे नजर रखने नहीं आया था। तोहफा? हाँ। कहाँ है? घर पे मेरे पास। लेकर क्यों नहीं आए? कल आऊंगा ना फैक्ट्री से पिक करने, तो ले आऊंगा।
कल मैं फैक्ट्री नहीं जा रही, अम्मा के साथ जाऊंगी मिलाद पर। क्या तुमने बताया नहीं कि तुम कल कहाँ गई थी? अभी तक तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। वैसे मैंने कुछ चोरी नहीं किया जो मैं वजाहतें दूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। सबा के बाबा आए थे उससे मिलने के लिए, तो सबा ने कह दिया चलो रास्ते में मैं तुम्हें भी घर उतार दूंगी, अगर तुम्हें देख लिया होता ना मैंने तो सबा के बजाय तुम्हारे साथ चली जाती। सच में चली जाती? हाँ चली जाती, लेकिन तोहफा लेकर आओ मेरा, जाओ अभी इस वक्त। तो इतनी रात को चोरी छुपे मिलने के लिए आ सकते हो, तोहफा देने के लिए नहीं आ सकते? जाओ अब जल्दी से तोहफा लेकर आओ और यहीं से फेंक देना, मैं पकड़ लूंगी, आना नहीं वापस। कल मैं फैक्ट्री नहीं जा रही, अम्मा के साथ जाऊंगी मिलाद पर। काशिफ, मुझसे झूठ बोल के मिलाद का बहाना बना के किसके साथ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही थी तुम? आहिस्ता बोलो, अब्बा सुन लेंगे। तो अच्छा है ना, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि क्या करती फिर रही हो तुम। मैं क्या कर रही हूँ? हैं? कितनी छोटी ज़हनियत है तुम्हारी, तुम्हें नहीं दिखता कि तुम क्या कर रहे हो? एक तो मेरी जासूसी कर रहे थे, ऊपर से मुझ पे घटिया इल्जाम लगाकर मेरे घर आकर मुझ पे ऐसे चीख रहे हो। तो क्या बगैरतों की तरह चुप साध के बैठ जाऊं? वो तुम्हें ही मामूली लगता है, एक गैर आदमी के साथ होटल के कमरे में बड़े मजाक। बंद कर काशिफ, मुड़ा मारना तेरे मुंह तो चुके। छाड़ इस मुड़े नु, एक ते चोरी तो सीना जोरी, और तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी भी नहीं है। शर्मिंदगी और अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम जैसे छोटी ज़हनियत के इंसान के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला क्यों किया। पछतावा तो मुझे भी है, लेकिन तू फिक्र ना कर, सारी जिंदगी इस पछतावे की नजर नहीं होने दूंगा। कल आऊंगा अम्मा के साथ, और सारे दे सामने इस गल का फैसला होगा। मुझे लैला से ही उम्मीद नहीं थी, मोहब्बत करता था मैं उससे, किसी और को चुन लेती, मुझे छोड़ देती इस बात का गम जरूर होता, लेकिन उसकी खुशी में खुश हो जाता। लेकिन वो तो दो दो मर्दों के साथ खेल रही थी, वो ये कैसे बर्दाश्त करता? लैला की इस हरकत पे मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने अपने सब घर वालों को ले के उसके घर गया और सब के सामने अंगूठी उसके मुंह पे मारी। एक गैरतमंद मर्द और कर भी क्या सकता है? तोड़ दी मैंने मंगनी, अगर आपको इस बात पे शक है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मुझे मत सिखा के किससे क्या पूछना, लेकिन मंगनी टूटने की जो वजह तू बता रहा है ना, उसका कोई सबूत नहीं है तेरे पास। और मैं कैसे मान लूं कि वो किसी अजीम नामी आदमी से मिलती थी? क्या सबूत है? बगैर सबूत के मुझे तो उठाना है, बगैर सबूत के घंटों से मुझे मार रहे, उसे नहीं उठा सकते? उठाए उसे, पूछे उससे। उठ, उठ। हमें सिखाएगा? ये बता कि उसे किस होटल में देखा था और किस दिन। तुम तो दबाओ।
सर। आपने तो काफी देर पहले रिपोर्ट नहीं करा था। जी सर, बस मैं आ रही थी। हाँ, वो क्या क्लू मिला आपको? क्लू सर? अरे आप कह रही थी ना कि कोई ऐसा सबूत मिला है कि पूरा केस का रुख बदल जाएगा, क्या था वो? जी सर, वो मैं जब लैला के घर की तलाशी ले रही थी ना सर, तो उसके कमरे से मुझे बहुत महंगा मेकअप मिला सर, और एकदम कीमती कपड़े भी, ब्रांडेड लग रहे थे सर। और? जी सर, और एक महंगा परफ्यूम भी था। ये मिला? ये वो चीज़ें थी जिनसे केस का रुख बदल जाएगा? केस से क्या ताल्लुक है इसका? सर आप ही सोचें सर, एक मामूली सी मीटर रीडर की बेटी सर, जो अपना खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलाता होगा, उसकी बेटी के इतने महंगे शौक आपकी कमाई से तो नहीं हो सकते ना सर। हाँ, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। चलो लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है रुकैया, बस ध्यान रखिएगा, मेकअप और महंगी चीज़ों में से कोई भी चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए। जी सर। और ना अगला सर्च वारंट आपके घर का निकलेगा। जी सर। सीसीटीवी फुटेज तो हमें मिल गई, लेकिन आगे की इंफॉर्मेशन देने से मैनेजर मना कर रहा है। बहुत चौड़ा हो रहा है। बाहर ही बुला। गुड इवनिंग सर, हाँ मैं आपको पंजाबी हो? सॉरी, पंजाबी हो? व्हाट डज दैट हैव टू डू विद दिस? यहाँ होती है पुलिस, वहां होती है पुल्स। पुल्स वॉर मारती है। कौन था, कितने घंटे के लिए आया, किसके नाम पे रूम था, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। सर, इट्स अगेंस्ट आवर कंपनी पॉलिसी, मैं किसी भी थर्ड पार्टी से अपना गैस डेटा नहीं शेयर कर सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ फर्स्ट भी हम हैं, सेकंड भी हम हैं, और थर्ड भी हम हैं। हमें तो बताना पड़ेगा ना। सर, मैंने आपको पहले बता दिया, मैं डेटा आपसे शेयर नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? ये जो दरबान खड़ा हुआ है, अगर मैं तुझे कूट दूं, बचाने आएगा? चल चल निकल यहां से, चल निकल जा, दफा हो जा। हमारा मोबाइल तो दो। मोबाइल दे इसका। चलो चल निकल जा यहां से फटाफट। उठा उठा सीधे चल। हमको पुलिस ने छोड़ दिया, हम वापस आ रहे हैं। खबरदार मेरे कार आने की कोशिश न करना। कैसे नहीं आना, हमने पूरे महीने का किराया दिया है। ओए, मैं तेरा किराया तेरे मुंह पे दे मारूंगा। तुम्हारे बेटी की वजह से फंसाया ना। ओए पठान, मेरा दिमाग खराब ना कर, पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी की गुमशुदगी पे। वो पुलिस वाले ने हमको बोले कि जब तक लड़की नहीं मिलेगा हम तुम्हारे घर में रहेगा। क्या? हमारे, हम तुम्हारे घर ही आ रहे। रुको जरा। लो, पुलिस ने उन दोनों को रिहा कर दिया। गरीब का कोई हाल नहीं होता। मैं तो कहनी हूँ गरीब होने तो बेहतर है बंदा मारी जाए।
मन पता सी इस तरह ही होएगा, दोवां नूं छड्ड दे लैला लैला। क्या हो गया भाई, ऐसे गाड़ी में आके क्यों बैठ गए आप? अपना तारुफ बाद में करवाऊं, पहले आपका तारुफ करवा दूं। नाम अजीमुल्ला वल्द करीमुल्ला, उम्र 50 साल, एक छोटी गारमेंट्स फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन ख्वाहिशात बहुत बड़ी हैं। एक बेटी है जो घर में है, और कुछ? ठीक है, तो मतलब क्या करूं मैं? पुलिस में कहीं ऊपर फोन करूं क्या? हम क्या सर्कस वाले दिख रहे हैं? नहीं, लेकिन क्या करना है सर? करना क्या है, लेके जाना है, गाड़ी लगाओ पीछे। लेके जाना है? लैला कहाँ है? कौन लैला? अच्छा सही, खुदा हाफिज़। ओ बाबा, वो लैला को हमें घर ड्रॉप करना है। हाय अल्लाह, ये तो छतकटी गाड़ी है। यू मीन कन्वर्टेबल? हाँ भाई, जरा थक गई हूँ ना, काम बहुत कर लिया है और खाना भी नहीं खाया हुआ। तुमने खाया खाना? नहीं बाबा, मैंने भी नहीं खाया। ओ चलो फिर। कम आ जाओ। वैसे थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाएगा, तो डिनर ही करते हैं। चल, मैं तो चाइनीज खाऊंगी, तुम क्या खाओगी? मैं कुछ भी खा लूंगी। तुमने आ गया आना? नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ शोर हो? यस। ये लगता कहाँ है? ये बताओ ना। साइड पे चलें? जी बाबा चलो। अच्छा, इसकी जो छत ही नहीं है तो वो जो एसी है वो हवा? नहीं नहीं, वो छत होती है, यहाँ से खोलो तो बंद हो जाती है। इस बटन से खुलती बंद होती है? हाँ। ओए ओए, हम बोलो चुप क्यों हो गए? फिर ब्लॉक कर दिया मैंने उसे। ब्लॉक कर दिया? ब्लॉक कर दिया कि हलाक कर दिया? क्या बात कर रहे हैं यार इंस्पेक्टर साहब आप, मतलब ऐसे ही थोड़े से मैसेजेस एक्सचेंज हुए, छोटी सी बात है, इस पे कोई किसी को अगवा या हलाक थोड़ी करता है। बात तो छोटी सी थी, बड़ी वाली बताओ फिर। बड़ी बात? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सच पूछें तो मेरा उसके बाद रابطہ ही नहीं हुआ है उससे, और मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं उससे ताल्लुक रखूं, बिकॉज मुझे ये जैसी थी ना लैला, ये लड़कियां मुझे पसंद नहीं है, थोड़ी आज़ाद ख्याल थी वो। तो मैंने तो अपनी बेटी सबा को भी यही बोला कि कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मिलने जुलने की, अवॉइड करो उसको। बेटी को मना कर दिया और खुद मिलते रहे होटलों के कमरों में। क्या बात कर रहे? ना 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 ना, मुकरना नहीं। पता क्या, मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, तुम्हारा भी टाइम ज़ाया होगा। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तुम्हें और लैला को कमरे में आते जाते देखा जा सकता है। बिस्किट? हाँ नहीं। कहाँ है फुटेज? कौन है भाई ये? मैं हूँ। साथ कौन? लैला। कौन सी लैला? वो जिसे एक दफा मिले थे, वो जिसका नंबर ब्लॉक कर दिया था?
वो लैला। क्या पूछ रहा हूँ? भाई मैंने झूठ बोला था, जानबूझ के छुपाया था, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बेजरर सी दो चार मुलाकातें हैं और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाह रहा था ये खामखा गले पड़ जाए सब कुछ, इसलिए मैंने आपसे छुपाया है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैंने अगवा किया ना हलाक किया, मैं तो जानता ही नहीं हूँ ये कहाँ चली गई है। आखिरी दफा कब मिले थे? ये आखिरी मुलाकात थी हमारी, इसके बाद नहीं मिला हूँ। असल में इस मुलाकात में हमारी थोड़ी सी तलखी हो गई तो मैंने ब्लॉक कर दिया उसे। कैसी तलखी? हो जाती है दो लोगों के दरमियान जो तलखियां, वो हो गई थी बस, तो फिर ब्लॉक कर दिया, मैंने नहीं बात की उससे। मारो भाई। इंस्पेक्टर साहब बात सुनिए मेरी, मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। हंस क्यों रही हो? शादी कहां से बीच में आ गई? नहीं ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे, शादी तो करनी है। मेरी मंगनी हो गई है, मंगेतर है मेरा। नहीं तो ये बात मुझसे दोस्ती बढ़ाने से पहले याद नहीं आई तुम्हें? चले भूल जाएं मेरी मंगनी हुई है, मंगेतर है मेरा। पर फर्क तो देखे ना। कैसा फर्क? उम्र का फर्क। मेरी बाप की उम्र के हैं आप, आपकी बेटी मेरी दोस्त है। तो ये सब पहले याद नहीं आया जब मेरे साथ घूमती फिरती रही हो, खाने खाती रही हो, होटलों के कमरे में आती रही हो, तब याद नहीं आया ये सब? रही ना वही छोटी सोच, जरा सा हंस के बात क्या कर ली, घूम फिर क्या लिए गाड़ी में, जरा सा फन क्या कर लिया। आपने तो शादी के सपने ही सजाने शुरू कर दिए। आप जैसे 20 आगे पीछे मेरे घूमते हैं, सबसे शादी कर लूं? बेवकूफ बनाती रही हो तुम मुझे। मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया। आप जैसे अधीर उम्र के आदमी ना, मुझ जैसी जवान लड़की को देख के खुद ब खुद बेवकूफ बन जाते हैं। अब मैं जा रही हूं अपने मंगेतर के पास, मुझे फोन ना करना, शादी होने लगी है मेरी तो ड्रामा नहीं चाहिए मुझे कोई, समझ आई है? Thank you.